स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है? ए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, बी विलियम शेक्सपियर की जयंती, सी विंडहोक घोषणा, डी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। आंसर सी विंडहोक घोषणा। एक्सप्लेनेशन, प्रेस की स्वतंत्रता और आजादी का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विंडहोक घोषणा स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों का एक बयान है जिसे 1991 में विंडहोक नामीबिया में एक स्वतंत्र और बहुलवादी अफ्रीकी प्रेस को बढ़ावा देने पर यूनेस्को सेमिनार के दौरान रखा गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? ए केन्या, बी जिम्बाब्वे, सी ईरान, डी दक्षिण अफ्रीका। आंसर बी जिम्बाब्वे। एक्सप्लेनेशन, जिम्बाब्वे ने देश में लंबे समय से चल रहे मुद्रा संकट के बीच जिम्बाब्वे गोल्ड का संक्षिप्त रूप नामक एक नई मुद्रा लॉन्च की है। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में लॉन्च किया गया है। साल 2009 के बाद ये छठा मौका है जब देश में नई मुद्रा लॉन्च की गई है। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी हरारे है। अगला प्रश्न, पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है? ए भविष्य पोर्टल, बी विद संपूर्ण पोर्टल, सी प्रेरणा पोर्टल, डी लक्ष्य पोर्टल। आंसर ए भविष्य पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया का एक एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है जिसे भविष्य पोर्टल के रूप में भी जाना जाता है। ये 5 बैंकों की पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं को एक ही विंडो में जोड़ता है। सेवानिवृत्त लोग इस पोर्टल के माध्यम से अपनी मासिक पेंशन पर्चियों की जांच कर सकते हैं, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति की जांच कर सकते हैं, फॉर्म 16 जमा कर सकते हैं और भुगतान किए गए बकाया का विवरण देख सकते हैं। अगला प्रश्न, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ए सेनेगल, बी घाना, सी दक्षिण अफ्रीका, डी नामीबिया। आंसर डी नामीबिया। एक्सप्लेनेशन, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया बॉन के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता नामीबिया में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 2 मई, बी 3 मई, सी 4 मई, डी 5 मई। आंसर बी 3 मई। एक्सप्लेनेशन, हर साल 3 मई को दुनिया भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का 31वां संस्करण मनाया जा रहा है। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था।